गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज वी आर स्टडी चैप्टर नंबर 5 रॉक्स एंड मिनरल्स। इन लास्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट व्हाट आर रॉक्स एंड मिनरल्स। सो टेल मी, व्हाट आर रॉक्स? आवर अर्थ इज मेनली मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ओके, जो हमारी अर्थ जो किसकी बनी हुई है? रॉक्स से बनी हुई है। जो मिनरल्स है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? रॉक्स से, ठीक है। और जो सैंड सॉयल है वो भी कहाँ से मिलती है हमें? रॉक से मिलती है। जब रॉक्स टूटते हैं उनकी जो ऊपर वाली लेयर से वो पार्टिकल्स अलग होते हैं, तो उसे क्या है? सैंड और सॉयल बनती है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमें पढ़ा था व्हाट आर रॉक्स, और हमने इसके पढ़े थे 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। सो स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट आर इग्नियस रॉक्स? एक वर्ड इग्नियस मीन फायर। ओके, जो इग्नियस वर्ड क्या होता है? फायर होती है। जो हमारी अर्थ के अंदर जो हमारा मोल्टन मैग्मा जो है वो क्या होता है? जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो मोल्टन मैग्मा बाहर आता है, तो बाहर तो लावा निकलती है। वो लावा जो ठंडी होने लगती है, वोल्केनो से निकली हुई लावा, उस काफ़ी टाइम बाद जो ठंडी होती है, तो वो क्या होती है? जो जो मतलब लावा काफ़ी टाइम बाद फंस सकता है, तो वो लावा से क्या बन जाती है? वो रॉक बन जाती है। उस रॉक को हम क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। इग्नियस मीन्स फायर, जो आग से बनी है। वोल्केनो क्या तो गर्म होते हैं, ठीक है। इग्नियस पर लग गया। तो हमने इग्नियस के टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन से टाइप्स थे बताएंगे? यस, 4 टाइप्स पढ़े थे, बसाल्ट, ग्रेनाइट, प्यूमिक एंड ऑब्सीडियन। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ रॉक्स, ऑफ इग्नियस रॉक्स, ठीक है। और सेकेंड हमने पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनते हैं? व्हाट आर सेडिमेंट्री रॉक्स? दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वैन, जब क्या होता है? बारिश वगैरह जो होती है, जब माउंटेन्स वगैरह से जो पानी वगैरह निकलता है, नदियाँ वगैरह नसीब मिलती हैं, साथ साथ साइंस पार्टिकल्स लेके आती हैं। वो पार्टिकल्स क्या हैं? सी के साथ साथ क्या है? लेयर मारते हैं, जिसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और वो जो है लेयर जो है किनारों पे जो समुंदर के, वो जो है लेयर रॉक जो रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटरी रॉक्स। इसमें भी हमने टाइप्स पढ़ी थी, कौन कौन से टाइप्स हैं? यस, सेम इसमें भी 4 टाइप्स हैं, कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, यस, और है अपना कौन सा, दो और कौन से हैं? शेल एंड लाइमस्टोन। इसके भी 4 टाइप्स हैं, इसके भी 4 टाइप्स हैं। और टुडे हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं 3rd टाइप। फर्स्ट टाइप इग्नियस रॉक्स लिटिल विद फायर, सेडिमेंटरी रॉक्स लिटिल विद सेडिमेंट्स और माउंटेन्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन चेंज। ओके, ये जो रॉक है वो किससे बनी है? इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के कम्बिनेशन से, ठीक है। फॉर्म्ड फ्रॉम इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। कुछ रॉक्स इग्नियस के जो मेटामॉर्फिक चले जाते हैं, कुछ सेडिमेंट्री के मेटामॉर्फिक में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस हैं किसकी? इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स की, जो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। इग्नियस रॉक्स किससे बनता है? फायर लावा से। सेडिमेंट्री रॉक्स माउंटेन के सी में सेडिमेंट वगैरह से, लेयर इकट्ठा होने से, ठीक है। और जो मेटामॉर्फिक है वो किससे बनती है? वो इग्नियस और सेडिमेंट्री से बनती है, ठीक है। तो आगे, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय इमेंस हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ। ये रॉक्स कैसे बनती हैं? इंटेंस हीट, जो हमारे पता है कि अर्थ के अंदर कितनी हीट है, प्रेशर है, तो इससे जो है वो रॉक्स जो किसे कन्वर्ट हो जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। दीज रॉक्स आर हार्डर एंड टफर, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं और टफर होती हैं। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, अब आज पढ़ेंगे हम 4 टाइप्स। इसमें भी हैं, इग्नियस में भी 4 टाइप्स थे, सेडिमेंट्री में भी 4 टाइप्स है, अब मेटामॉर्फिक में भी 4 टाइप्स हैं। मार्बल, स्लेट, गनीज एंड क्वार्टजाइट, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल, स्लेट, गनीज एंड क्वार्टजाइट, जो हम इसको आज हम 1 by 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट इज मार्बल। मार्बल क्या होता है? इसमें लाइमस्टोन है, सेडिमेंट्री रॉक चेंजेस इनटू अ मार्बल। अब ये रॉक मुझे बताया कि आपको मेटामॉर्फिक रॉक कहाँ से बनती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स के कन्वर्ट हो जाने से, ठीक है। ये ठीक है, मार्बल सॉरी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक कन्वर्ट होती हैं। अब इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक्स के आपने टाइप्स पढ़ी थी, तो उसमें से एक टाइप्स होती है हमारी लाइमस्टोन, वो किसकी टाइप है? सेडिमेंट्री रॉक की। जो लाइमस्टोन में जो चेंज हो जाता है किसमें? मार्बल में। वो कौन सा रॉक बन जाता है फिर? एक मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। सेडिमेंट्री रॉक क्या इसकी जो हो गया अब मेटामॉर्फिक रॉक में? मार्बल। सो मार्बल फाउंड इन वेरियस कलर यूज टू मेक स्टैचू एंड बिल्डिंग्स। अब ये किसके लिए होती है मार्बल रॉक्स? ये किस बहुत तरह की रॉक्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की मार्बल्स हमने देखे होते हैं, वो किसके लिए यूज होते हैं? स्टैचू एंड बिल्डिंग के लिए, ठीक है। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है, वो किससे बनी है? लाइमस्टोन सेडिमेंटरी रॉक से। ओके, नेक्स्ट रॉक इज स्लेट रॉक। अब ये स्लेट क्या है? हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है, वो एक रॉक है जो किससे बनी है? शेल सेडिमेंटरी रॉक से।
शेल सेडिमेंट्री रॉक चेंजेस इनटू स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक. ओके ठीक है. ये जो स्लेट होते हैं, स्लेट हम देखा होगा जिसे हम स्लेटिंग हिंदी में भी कहते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड टाइप जो बच्चे यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते, किया होगा आपने भी. ठीक है, ये किस कलर के होते हैं? डार्क ग्रे इन कलर. ठीक है, यूज फॉर मेकिंग स्लेट्स ब्लैक बोर्ड है और रूफ टाइल्स. जो हमारी ब्लैक बोर्ड स्लेट्स और रूफ टाइल्स किसके बने होते हैं? स्लेट रॉक के. ये डार्क ग्रे इन कलर होते हैं, किससे बनते हैं? शेल सेडिमेंट्री रॉक के चेंज होने से. किस में? स्लेट में. ठीक है, तो आपके समझ में आ गया. फर्स्ट हमने पढ़ा था मार्बल, वो लाइमस्टोन के चेंज होने से बनता है, और स्लेट शेल सेडिमेंट्री रॉक के चेंज से बनता है. ठीक है, अब हमारी थर्ड रॉक है गिनीज. गिनीज अब किससे बनती है? ये हमारी एक ग्रेनाइट रॉक होती है. गिनीज रॉक में पढ़ा होगा, ग्रेनाइट रॉक के बारे में बताया था मैंने आपको. ठीक है, तो ये गिनीज रॉक थी, अब वो चेंज हो जाती है किस में? हमारी गिनीज में. ठीक है, ग्रेनाइट रॉक इज अ इग्नियस रॉक विच चेंजेस इनटू अ गिनीज. इट इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक मतलब क्या होता है? चेंज. तो वो चेंजेस कहाँ से आते हैं? सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक के चेंजेस उनसे क्या बनते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक. जैसे कि ग्रेनाइट है हमारा, वो इग्नियस रॉक था, वो किस में चेंज हो गया है? गिनीज में. द मिनरल्स गेट सेपरेटेड टू फॉर्म लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. अब गिनीज रॉक जो होती है हमारी, वो क्या होती है? ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बैंड दिखते हैं. वो बैंड किस चीज़ के होते हैं? वो मिनरल्स होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं और वो क्या होते हैं? लाइट एंड डार्क बैंड्स बनाने लगते हैं. जैसे एक रॉक हो गई, ये रॉक के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लाइट कलरफुल बैंड्स दिखते हैं हमें, तो वो किसके बनते हैं? मिनरल्स के. इट ग्लिटर बिकॉज ऑफ शाइनी मिका. अब ये चमकता क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? शाइनी मिका मिनरल मिलता है, इसलिए वो क्या है, ये इसके अंदर जो ग्लिटर है, ये इसका सरफेस जो है वो शाइनी होता है गिनीज का. ठीक है, गिनीज रॉक इज अ ग्रेनाइट रॉक. इग्नियस रॉक चेंजेस इनटू अ गिनीज मेटामॉर्फिक रॉक. द मिनरल्स गेट सेपरेटेड टू फॉर्म लाइट एंड डार्क बैंड्स डिफरेंट कलर्स. मिनरल्स में इसमें क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट बैंड बनाते हैं और ग्लिटर बिकॉज ऑफ शाइनी मिका. लास्ट इज क्वार्ट्जाइट. अभी क्वार्ट्जाइट रॉक जो है वो हमारी सैंडस्टोन है, सेडिमेंटरी रॉक चेंजेस इनटू अ क्वार्ट्जाइट. ठीक है, सैंडस्टोन जो हमारी है वो किस में चेंज होती है? क्वार्ट्जाइट रॉक में. सैंडस्टोन हमारी एक सेडिमेंटरी रॉक है. अभी किसी की क्वार्ट्जाइट क्या हमारा? मेटामॉर्फिक रॉक. तो सैंडस्टोन किस में चेंज हो गया? क्वार्ट्जाइट में. हार्ड रॉक यूज टू मेक स्टैचू एंड इन मेकिंग ग्लास एंड क्रीमिक इंडस्ट्रीज. इससे सीरेमिक इंडस्ट्री मतलब सीमेंट वगैरह बनता है वहाँ से, यहाँ क्वार्ट्जाइट यूज होता है. और हार्ड रॉक क्या है? इससे ये हार्ड रॉक होता है, किसके लिए यूज होता है? मेक स्टैचू बनाने के लिए यूज होता है, और एक ग्लास और सिरेमिक इंडस्ट्रीज में, जिनको होती है जहाँ पे सीमेंट वगैरह बनता है. ठीक है, तो हमारी फोर टाइप्स ऑफ रॉक हो गई, क्वार्ट्जाइट हो गई, गिनीज हो गई, शेल स्लेट एंड मार्बल. दीज फोर टाइप्स ऑफ रॉक विच आर फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स. अब हम इनकी पिक्चर्स देखेंगे. सो एज वी आर सीइंग इन दिस बुक, ये है मार्बल रॉक हमारी, जो लाइमस्टोन मेडमेंट्री रॉक है. मार्बल में देखो कहाँ है, तो जो ताजमहल है वो किससे बना हुआ है? मार्बल से, वाइट मार्बल से. ठीक है, तो ये हमारी कौन सी रॉक हो गई? मेटामॉर्फिक रॉक. सेकंड टाइप हमने पढ़ी स्लेट. स्लेट जो है डार्क ग्रे इन कलर होती है और यूज़ किसके लिए होती है? ब्लैक बोर्ड और स्लेट्स बनाने के लिए. ठीक है, दोनों पढ़ लिया आपने, मार्बल पढ़ लिया, अब स्लेट पढ़ लिया. अब थर्ड हमारी गिनीज. गिनीज के बारे में क्या बताया था? डार्क कलरफुल बैंड्स होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये, देखो डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स दिख रहे हैं. ये बैंड्स किस चीज़ के होते बने होते हैं? मिनरल्स के बने होते हैं. जो मिनरल्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, वो लग के कलरफुल बैंड्स बना लेते हैं. ठीक है, फिर ये रॉक का जो है सरफेस है वो शाइनी होता है. क्यों? किसके ऊपर जो हमारा क्या होता है, हमें शाइनी मिका मिलता है. मिका एक इज अ मिनरल. ठीक है, विच इज़ फाउंड ऑन दिस सर्फेस एंड दे अपेयर इन शाइनी इन नेचर. ठीक है, कलरफुल बैंड किसके बनते हैं? मिनरल्स के. लास्ट रॉक हमारा है क्वार्ट्जाइट. क्वार्ट्जाइट रॉक किसका है? ये सेडिमेंट्री रॉक है. सेवन चेंजेस टू फॉर्म क्वार्ट्जाइट. इट इज़ अ हार्ड रॉक. ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता होगा, तो इसलिए स्क्रैच स्टील को स्क्रैच करने के लिए, उसको काटने के लिए किसका रोल होता है? क्वार्ट्जाइट का होता है. और इसके लिए किसके लिए यूज़ करते हैं हम इसको? ग्लास बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज में यूज़ करने के लिए. ठीक है, अब ये हमारे देखो 3 MCQs हो गए लास्ट. द लावा सॉलिडिफाइड टू फॉर्म डैश रॉक. अब लावा किस कौन से रॉक बनाते हैं? इग्नियस रॉक. इग्नियस वर्ड मीन फायर एंड फायर रिलेटेड टू वर्ड लावा. द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली इज मेड अप ऑफ. यस, इट इज अ सैंड स्टोन. सैंड स्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक. नेक्स्ट इज इट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा होता है? हमारा मार्बल. इसमें से ग्रेनाइट भी क्या है? कौन सा रॉक है? ग्रेनाइट और शेल. शेल जो हमारा वो कौन सा है? यस यस टेल मी. शेल जो हमारा वो कौन सा रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक है. और ग्रेनाइट हमारा एक इग्नियस रॉक है, जिसमें मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा बचा? मार्बल. आज ही हमने पढ़ा है मार्बल कौन से? ताजमहल के मार्बल जो वाइट कलर के हैं, वो किस कौन से रॉक्स हैं? वो मेटामॉर्फिक. और मार्बल किससे बनता है चेंज होने से? लाइमस्टोन के चेंज होने से क्या बनती है?
मार्बल, लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक चेंजेस इनटू अ मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक. ओके नाउ इट इज क्लियर. सो ओके थैंक यू.